आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। YouTube के संसार में हर तरह का ज्ञान भरा पड़ा है, लोग इससे कुछ बेहतर सीखते हैं, मगर जा की भावना रही जैसी की तर्ज पर बदमाश ने YouTube से कुछ और नहीं लूटपाट सीखी। तोरवा थाना क्षेत्र के हेमूनगर BSNL टावर के पास गिनत ग्रीन विहार में रहने वाली सीमा राय अपने बेटे को स्टेशन छोड़कर वापस घर लौट रही थी, तभी अचानक स्कूटी सवार एक व्यक्ति आया और उनके गले से सोने की चेन लूटकर भाग गया। 30 जनवरी को ही इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और आरोपियों की धरपकड़ के लिए हर स्तर पर प्रयास शुरू किया। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि लुटेरा राजकिशोर नगर में छुपा हुआ है। तोरवा पुलिस ने दबिश देकर सगरा टोला टिकरा कला डबरा निवासी और वर्तमान बिलासपुर में रह रहे अनिल कचवाहा को गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि हाल ही में उसने इसी तरह चार महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। लूटपाट का यह अंदाज उसने YouTube देखकर सीखा था। लूटे हुए सामान को उसने कई लोगों को बेच दिया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने खरसिया निवासी दिलीप अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त आरोपी के जुपिटर स्कूटर को भी पुलिस ने जब्त किया है। वहीं उसके पास से 70 ग्राम वजनी सोने का जेवरात बरामद हुआ है। इनकी कुल कीमत 4 लाख रुपए है। वारदात जो हुई थी मैम, कितने प्रकरणों का खुलासा आज हो रहा है मैम? कैसे करता था ये, क्या देखता था? ये तोरबा क्षेत्र में हेमूनगर में 30 तारीख को जो महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, उस पर तोरबा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को उठाया है। और इसमें जो आरोपी है उसके द्वारा पूर्व में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था। आज टोटल 4 इसमें लूट का खुलासा किया गया है, जिसमें 3 तोरबा क्षेत्र में ही पंजीबद्ध थी, जिसमें कि महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग हुई थी, और एक तारबहार क्षेत्र में पूर्व से पंजीबद्ध प्रकरण था। चारों ही जो प्रकरणों में जो माल था वो पूरा बरामद हो गया है। इसके द्वारा खरसिया के 2 लोगों को ये बेचा गया था, जिनको भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है, और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। YouTube की जो बातें आ रही है, कैसे ये जो आरोपी है, ये पूर्व में ड्राइवरी का काम करता था, कुछ गाड़ियां भी इसकी चलती थी, और ये जुआ की लत थी इसको, तो जुए में काफ़ी पैसा इसने हारा था। उसी को रिकवर करने की उसने कुछ योजनाएं बनाई, और YouTube में किस प्रकार से चेन स्नैचिंग की जाती है, क्या किया जाता है, उसके वीडियोज़ इसने सर्च किए, और उसी से प्रेरित होकर अपनी जुपिटर गाड़ी में ये बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों में इसने इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।